हेलो एवरीवन सो वेलकम टू माय चैनल आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल तो हमने जैसे पहले वाली वीडियोस में वर्कशीट वन एंड टू हमने कवर कर ली थी और एक और वीडियो थी हमारी उसमें वर्कशीट वन का हमने फर्स्ट पार्ट उसमें कवर कर लिया है अब हम देखने जा रहे हैं वर्कशीट थ्री का सेकंड क्वेश्चन तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए अगर आपको मेरा मैथड पढ़ाने का मैथड पसंद आ रहा है तो ठीक है तो चलो वो क्वेश्चन नंबर सेकेंड से हम स्टार्ट करते हैं हमारे पास यहाँ क्वेश्चन है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच इलेवन हंड्रेड मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर देखिए तो क्या बोलना चाह रहे हैं दे आर सेइंग कि हमने एक स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है कोई ठीक है ना फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच जिससे हम इलेवन हंड्रेड को मल्टीप्लाई कर, कर सकें और उसको हम परफेक्ट स्क्वायर बना सकें ठीक है ना कोई ऐसा नंबर कोई ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने से इलेवन हंड्रेड एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए ठीक है ना हमने ऐसा एक नंबर फाइंड आउट करना है तो देखिए जब ऐसा क्वेश्चन आए तो हमने कैसे इसको सॉल्व करना है तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन तो हम क्या सबसे तो पहले हम क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इलेवन हंड्रेड का ठीक है ना प्राइम फैक्टर्स ऑफ एलेवन हंड्रेड ठीक है ना हम निकाल देंगे यहाँ पर क्या इतने होते हैं लेकिन यहाँ पर एलेवन हंड्रेड ठीक है तो मैंने आपको पहले वाली वीडियोज़ में बता दिया है कि इसका क्या मेथड होता है हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं ठीक है ना तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम टू से डिवाइड करेंगे टू फाइव ज़ा टेन ये फाइव ये ज़ीरो आ जाएगा अगेन टू से टू टू जा फोर टू सेवन जा फोटीन टू तो फाइव जहाँ टेन ठीक है हम इनको डिवाइड कर रहे हैं उसके बाद अगेन हम फाइव से करेंगे इसको फिफ्टी फाइव देन अगेन फाइव से जाएगा इलेवन और ये ये तो देखिए ये जो बन गए हमारी ये फैक्टर्स बन गए हैं किसके इलेवन हंड्रेड के हम लिख देंगे यहाँ पर कौन कौन से फैक्टर्स बने हैं लिखो टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई फ़ाइव मल्टीप्लाई फ़ाइव मल्टीप्लाई इलेवन ठीक है तो ये सारे क्या हमारे फैक्टर्स बन गए हैं तो अब देखिए मैंने आपको एक चीज़ बताई थी हमारी लास्ट वीडियो में कि जैसे अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर है परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या है कि उसके जो फैक्टर्स बन रहे हैं वो पेयर में बन रहे हैं है हाँ ना हमने लास्ट टाइम देखे थे कि ऐसे थ्री, थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री है तो हमने थ्री थ्री के पेयर्स बना लिए थे ठीक है ना फॉर एग्जाम्पल देखिए जिसमें बताती हूँ यहाँ पर आपको थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू फाइव इंटू फाइव है तो हमने इनको पेयरिंग कर ली थी इसमें से एक थ्री कॉमन निकाला इसमें से एक थ्री और इसमें से फाइव ठीक है ना तो ये हमारा जो आंसर आता है वो हमारा स्क्वायर uh, होता है ठीक है उसका तो हमने देखा हमारे पास ये फैक्टर्स आ गए तो हमने सेकेंड स्टेप करना है क्या है हमने इनमें से uh, इनका पेयरिंग कर देनी है और इनके कॉमन निकाल लेना है ये देखिए इनका दो का पेयर बन गया इनका दो का पेयर बन गया लेकिन जो इलेवन है बेचारा वो अकेला रह गया ठीक है ना तो हम इसको लिख लेंगे यहाँ पर हम यहाँ पर लिख लेते हैं इलेवन हंड्रेड इक्वल्स टू टू इंटू फाइव इंटू ठीक है ना अब देखिए अगर यहाँ पर इलेवन के एक और इलेवन होता तो हम पेयर बना के यहाँ इलेवन लिख देते यहाँ पर सिर्फ एक, एक ही इलेवन है इसका मतलब क्या हुआ हम इलेवन हंड्रेड को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम इलेवन हंड्रेड को इलेवन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वो क्या बन जाए एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए ठीक है ना आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा तो हम लिखते हैं हम ऐसे लिख लेंगे इंटू टू इंटू फाइव इंटू इलेवन हेयर eleven is unpaired, so eleven must be multiplied with किसके साथ होगा? eleven hundred के साथ to make it परफेक्ट स्क्वायर ठीक है ना हम क्या करेंगे अब इलेवन हंड्रेड को मल्टीप्लाई कर देंगे इलेवन के साथ ठीक है इलेवन इलेवन सा वन टू वन एंड ज़ीरो ज़ीरो ठीक है ना ये हमारे पास क्या आ गया ये हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर आ गया आप चेक कर सकते हैं अगर हम निकालेंगे तो ये हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा ठीक है न येस yes. तो ये हमारा आंसर है आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा मैं इसको एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ आपने उन्होंने क्वेश्चन में बोला था कि कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर को हम इलेवन हंड्रेड के साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारे परफेक्ट स्क्वायर बन जाए क्योंकि इलेवन हंड्रेड परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ठीक है हमने सबसे पहले प्राइम फैक्टर कर देना है उसका प्राइम फैक्टर करके हमारे पास जो फैक्टर्स आएंगे हमने बस उनके पेयर बना देने हैं जिस फैक्टर का पेयर नहीं बनेगा जो अकेला रह जाएगा बेचारा सिंगल रह जाएगा उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर ठीक है ना तो हमने वही किया टू इंटू टू इंटू फाइव इंटू फाइव इंटू इलेवन टू का भी पेयर बन रहा है फाइव का भी बना लेकिन जो इलेवन है बेचारा वो सिंगल है ठीक है ना तो इलेवन को हम इलेवन हंड्रेड के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा पे एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा ये हमारा आंसर आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा तो चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में वो क्या बोल रहे हैं बाय वॉट स्मॉलेस्ट नंबर मस्ट वन इट्टी बी मल्टीप्लाइड सो दैट इट बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर ऑल्सो फाइंड परफेक्ट रूट ऑफ द नंबर ऑफ्टीन तो देखिए सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर टू किया था इन्होंने बोला है कि कौन से स्मॉलेस्ट नंबर के साथ हम वन एट्टी को मल्टीप्लाई करें कि हमारा जो है ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए और जो हमारा परफेक्ट स्कूट बनेगा तो उसको हमने रूट भी निकालना है ठीक है तो देखिए हमने तीन स्टेप में किया था क्या किया था सबसे पहले हमने क्या करना है फैक्टर्स बनाने हैं उसके बाद हमने क्या करनी है पेयर्स बनाने हैं और जो अनपेयर्ड रह जाएगा उसको क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना है ठीक है ना ये थ्री स्टेप्स में हमारा क्वेश्चन ईजिली हो जाएगा तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमने बनाने हैं फैक्टर्स वन एटी के हम वो स्टार्ट करते हैं ये टू के टेबल पे जाएगा टू नाइन ज़ा एटीन टू फोर ज़ा एट टू फाइव ज़ा टेन फाइव नाइन ज़ा फोर्टी फाइव थ्री थ्री जी नाइन थ्री वन ज थ्री तो जो हमारे फैक्टर्स बने हैं क्या बने हैं हम यहाँ लिख लेते हैं फैक्टर्स ऑफ वन एट्टी टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू फाइव ठीक है अब इसके बाद हम क्या करेंगे ये yes, हमारा जो तो सेकेंड स्टैप है पेयरिंग का हमने इसको पेयर बना लिया इसको पेयर बना लिया पर जो हमारा फाइव है वो बेचारा अकेला रहेगा ठीक है ना तो इसका मतलब हमने किसको वन ऐटी के साथ मल्टीप्लाई करना है एग्जैक्टली exactly, हमने वन एट्टी को फाइव के साथ मल्टीप्लाई करना है हम करेंगे वन एटी इन फाइव करेंगे हमारा जो नंबर आएगा ठीक है ना हमारा जो नंबर है आएगा वन को हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं फाइव के साथ देन इट वुड बी नाइन हंड्रेड ठीक है तो हमारा जो नाइन हंड्रेड है वो हमें पता ही परफेक्ट स्क्वायर है ठीक है चीके? तो हमने क्या करना है उसके बाद नेक्स्ट हमारा हमने ये जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर आया है हमने इसका रूट निकाल लेना है ठीक है हम लिखेंगे यहाँ पर रूट नाइन हंड्रेड इक्वल्स टू ठीक है ना हमने रूट निकालना है रूट नाइन नाइन हंड्रेड निकालना है इसका रूट निकालना है ठीक है ना तो इसके जो फैक्टर्स हम अगेन बना लेंगे टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू फाइव इंटू फाइव ठीक है ये हमने क्या बना लिए इनके फैक्टर्स बना लिए अगेन हम कॉमन लेंगे इनको टू इंटू थ्री इंटू फाइव आप इनको जब मल्टीप्लाई करोगे फाइव थ्री ज़ा फ़िफ्टीन फिफ्टीन टू ज़ा थर्टी तो ये जो हमारा आएगा आंसर वो आएगा थर्टी ठीक है आई होप इक्वेशन आपको समझ आया होगा हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर फोर फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड फोटी फाइव मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट इट बिकम्स अ प्रॉफिट्स स्क्वायर ठीक है हमारे पास अगेन एक नंबर दिया हुआ है उन्होंने बोला है कि कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे हम इसे इस डिवाइड की करें ठीक है लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था कि वो मल्टीप्लाई के लिए बोल रहे थे <coughs> लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे हमने यहाँ डिवाइड करना है ठीक है कौन से स्मॉलेस्ट नंबर के साथ हम इस नंबर को डिवाइड करें कि हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिल मिल जाए और जो नंबर आएगा हमें उसका रूट भी फाइंड आउट करना है ठीक है तो देखिए जो डिवाइड वाला है क्वेश्चन वो कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है मल्टीप्लाई वाले से ठीक है दे बोथ आर ऑलमोस्ट सेम तो चलो देख लेते हैं कैसे करते हैं तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है इसमें येस yes, फैक्टर्स बनाने का तो हम बनाएंगे प्राइम फैक्टर्स इसके <coughs> थरी थरी। तुछ थरी तुछ थरी न... थ्री सिक्स फोर फाइव ठीक है ये थ्री के टेबल पे जाएगा थ्री वन जो थ्री थ्री टू जो सिक्स थ्री थ्री वन जो थ्री थ्री फाइव ज़ा फिफ्टीन ये अगेन थ्री पे थ्री फोर ज़ा ट्वेल्व ये आएगा थ्री फाइव ज़ो फिफ्टीन यहाँ पर आपने फोर्टी फाइव ही लिखना नहीं लिखना है यहाँ फोर जीरो फाइव आएगा ठीक है उसके बाद है थ्री ये आएगा थ्री वन जो थ्री 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 जो नाइन एंड थ्री फाइव जो फिफ्टीन वन थर्टी फाइव आ गया उसके बाद अगेन थ्री से आएगा थ्री फोर ज़ा ट्वेल्व थ्री फाइव ज़ा फिफ्टीन ये फोर्टी फाइव आ गया थ्री नाइन जो फोर्टी फाइव तो सॉरी थ्री वन जो थ्री थ्री फाइव ज़र फिफ़्टीन यहाँ पर फिफ्टीन आ गया उसके बाद अगेन ये आ जाएगा फाइव पे एंड फाइव वन जो फाइव ठीक है तो हमारे पास क्या फैक्टर्स आ गए ये हमारे फैक्टर्स आ गए हम इनको लिख लेते हैं यहाँ पर अच्छे से फैक्टर्स ऑफ थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड फोर्टी फाइव क्या है थ्री इंटू थ्री वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इंटू फाइव ठीक है इसका पेयर बन रहा है इसका पेयर बन रहा है इसका पेयर बन रहा है लेकिन वो जो हमारा फाइव है वो अकेला रह गया हमने मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन में क्या देखा था जो अकेला रह जाता है हम उसको मल्टीप्लाई है, करते हैं ठीक है यहाँ पर लेकिन उन्होंने डिवाइड करने के लिए बोला है तो जो हमारा यहाँ पर सिंगल रह जाएगा हम उसको क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे हम क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लिखेंगे हेयर फाइव इज अनपेयर्ड सो द गिवन नंबर थ्री सिक्स फोर फाइव मस्ट बी मल्टीप्लाइड विथ मल्टीप्लाईड विथ सॉरी सॉरी मस्ट वी डिवाइड बाई हमें डिवीजन की बोला है ना ने डिवाइडेड बाय फाइव ठीक है हम इसको डिवाइड कर देंगे जब हम थ्री सिक्स फोर फाइव को डिवाइड करेंगे फाइव के साथ जो हमारा आंसर आएगा वो होगा सेवन टू नाइन ठीक है और उन्होंने और क्या बोला है मैं फाइन द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर जो हमारा जो नंबर आया है हमने इसका क्या निकालना है हमने इसका स्क्वायर रूट भी निकालना है ठीक है तो अगेन आप इसके फैक्टर्स बना लोगे अगेन फैक्टर्स जब आप बनाओगे तो ये फैक्टर्स बनेंगे थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री ठीक है तो हमारा पेयर कर लेंगे इनका इस तरह तो ये आ जाएगा थ्री इंटू थ्री इन्टू थ्री 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 ज़ा नाइन नाइन थ्री ज़ा ट्वेंटी सेवन ये जो हमारा आंसर ठीक है आई होप य क्वेश्चन आपको समझ आया होगा कोई ज़्यादा uh, बड़ा डिफरेंस नहीं है डिवाइड और मल्टीप्लीकेशन वाले क्वेश्चन में डिवीजन में आपने सिर्फ डिवाइड करने का ध्यान रखना है और मल्टीप्लाई में आपने सिर्फ मल्टीप्लाई करना है जो हमारा सिंगल रह जाएगा नंबर ठीक है तो बस हमें इसी तरह ये क्वेश्चन करना है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सो so, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अ गार्डनर प्लांटेड वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड ट्वेंटी वन ट्रीज इन अ रोज सच दैट द नंबर ऑफ रोज वाज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो वन नंबर ऑफ़ रोज ठीक है तो क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में कितने गार्डनर हैं जो प्लांट्स वगैरह लगाते हैं तो उन्होंने कि प्लान्टड किए कितने वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड ट्वेंटी वन ट्रीज़ इन अ रो ठीक है ना एक रो में उन्होंने इतने ट्रीज़ को लगा दिया ठीक है ना उन्होंने इस तरह लगाया कि जो नंबर ऑफ रोज़ हैं जो हमारी नंबर ऑफ़ रोज़ थी ठीक है ना वो क्या थी वो इक्वल थी किससे नंबर ऑफ़ प्लांट्स से ठीक है ना जितने प्लांट्स लगाए उन्होंने उतनी रोज़ लगाई देन फाइंड द नंबर ऑफ रोज तो उन्होंने उन्होंने प्लांट्स का तो ट्रीज़ का तो बता दिया कितने लेकिन उन्होंने रोज़ नहीं बताए कितनी है तो हमने वही निकालना है तो देखो ये कैसे किया है इन्होंने क्वेश्चन हम तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले देखेंगे हम लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ रोज बी एक्स ठीक है हमने इनको एक्स मान लेना है जिसके भी हमने बैल्यू निकाल लेते हैं हम उसको एक्स मान लेते हैं उसके बाद नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो लिखेंगे हम नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो इज इक्वल टू एक्स हो गया ठीक है ना अगर हम निकालेंगे इसमें टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स ठीक है ना हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स वुड बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एक्स into टू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वयर ठीक है ना ये आपको पता होना चाहिए अगर एक्स को तो हम like एक्स के साथ मल्टीप्लाई करें, तो करेंगे तो एक्स स्क्र बन जाता है ठीक है ना लाइक टू को टू के मल्टीप्लाई कर टू को टू के साथ मल्टीप्लाई कर फोर हो रहा है तो वैसे एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर इंक्रीज़ हो जाती है ठीक है हाँ तो ये का ध्यान रखना है तो देखो भाई हमने थ्री सेप में क्या किया है देखो लेट द नंबर ऑफ रोज भी एक्स हमने नंबर ऑफ रोज एक्स ले ली उसके बाद नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो जो नंबर ऑफ प्लांट्स हैं हर एक रो में कितने उसको भी हमने एक्स मान लिया ठीक है ना अब ठीक है तो हमने अगर जब टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स निकालेंगे तो हम इन ऑब्वियस इन दोनों को ही मल्टीप्लाई करेंगे जब उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा एक्स स्क्वेयेर बन जाएगा ठीक है ना और टोटल नंबर ऑफ़ प्लांट्स हमें कितनी कीमत है वन फाइव टू वन तो मतलब इसको लिख लेंगे वन फाइव टू वन इसकी जगह टोटल नंबर ऑफ़ प्लांट इज इक्वल टू क्या आया था एक्स स्क्वेयेर आया था मैंने ये समझाया था आपको अगर यहाँ स्क्वायर है तो उधर जाके वो रूट बन जाता है वन फाइव टू वन इज़ इक्वल टू एक्स हो जाएगा ठीक है ना दैट मीन हमने स्क्वायर रूट किसका निकालना है वन फाइव टू वन का ठीक है ना तो यहाँ पर हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे करते हैं हमारा फाइव वन फाइव टू वन है हमने इसकी एक्स की वैल्यू निकालनी है वन फाइव टू वन का रूट निकालना है तो हमें पता है हम प्राइम फैक्टराइजेशन से इसको निकाल सकते हैं अगर हम इसके फैक्टर बना लेंगे ये आएगा फाइव जीरो सेवन देन थ्री वन जो थ्री ये हो गया यहाँ पर टू हो गया एटीन यहाँ पर हमारा नाइन आ जाएगा ट्वेंटी सेवन हमें पता थर्टीन थर्टीन सा वन सिक्सटी नाइन होता है तो हमारे जो फैक्टर्स बनेंगे यहाँ पर हम वो लिख लेते हैं इट वुड बी फाइव वन फाइव टू तो वन इज़ इक्वल टू तो थ्री इंटू थ्री इंटू थर्टीन इंटू थर्टीन हमने पेयरिंग कर ली थ्री इंटू थर्टीन आ गया थर्टीन थ्री सा येस इट वुड भी थर्टी नाइन ठीक है ना तो मतलब रूट वन फाइव टू वन की वैल्यू क्या होगी हमारे पास थर्टी नाइन होगी ठीक है ना तो यही हमारा क्या आया हैंस द नंबर ऑफ रोज इज थर्टी नाइन ठीक है तो ये हमारी नंबर ऑफ रोज आ कितनी आई है थर्टी नाइन आई होप इक्वेशन क्वेश्चन आपको समझ आया होगा ठीक है हमने इसका फैक्टराइजेशन किया उसके बाद हम इनका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे हमने स्क्वायर रूट निकाला तो वन फाइव टू वन का स्क्वायर रूट थर्टी नाइन है वही हमारी नंबर ऑफ रोज है ठीक है ओके okay. चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा है क्वेश्चन नंबर सिक्स इसमें हमें क्या बोल रहे हैं दे आर सेंग एन ऑफिसर वॉन्ट्स टू अरेंज ठीक है arrange, उन्होंने एक नंबर दिया हुआ है हमें उन्होंने क्या बोला है कि एक ऑफिसर है उसने अरेंज करने हैं इतने कैडेट्स ठीक है ना टू लैक एंड ट्वेंटी फाइव हंड किया है चलिए हमने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या बोल रहे हैं वो कहते हैं एक ऑफिसर एंड ऑफिसर वॉन्ट्स टू अरेंज दिस नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन अ फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर ठीक है ना हमारे पास कुछ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स दिए हुए हैं उनको एक स्क्वायर की फॉर्म इन्होंने क्या करना है अरेंज करना है हाउ मेनी कैंडिडेट्स वर देयर इन ईच रो ठीक है ना तो जैसे उन्होंने बोला है कि उन्होंने एक स्क्वायर बनाना है ठीक है ना ऐसे इन्होंने स्क्वायर बनाना है तो ऐसे उन्होंने रोज में ना अपने जो उनके कैडेट्स हैं ठीक है ना उनको अरेंज करना है तो वो बोल रहे हैं कि हाउ मेनी कैडेट्स वर देयर इन ईच रो तो ईच रो में हमारे कितने कैडेट्स आएंगे कि ये उन्होंने हमसे पूछे हैं तो हम कैसे करेंगे लेट स्टार्ट हम लिखेंगे लिखेंगे लेट देयर बी एक्स नंबर ऑफ कैडेट्स इन रो ठीक है उसके बाद लिखेंगे हम लिखेंगे उसके बाद लिखेंगे नंबर ऑफ रोज वुड बी इक्वल टू एक्स सॉरी नाउ अब लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ये ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हो जाएंगे हमारे एक्स इंटू एक्स तो हमें पता है ये होता है एक्स स्क्वायर ठीक है ना टोटल नंबर ऑफ एडिट्स हमें उन्होंने दिए हुए थे हम उसकी वैल्यू इसके इक्वल लिख देंगे इज़ इक्वल टू एक्स एक स्क्वायर तो मतलब एक्स का हम क्या कर देंगे तो हमने क्या करना है हमने इसका स्क्वायर रूट निकालना है ये हमारा हो जाएगा रोट टू जीरो टू फाइव जीरो जीरो तो हम इसको सॉल्व करने के लिए अगे हम इसके स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं फ्रैक्चराइजेशन मेथड के साथ टू जीरो टू फाइव ज़ीरो ज़ीरो हम टू से करेंगे टू वन जो टू ये जीरो का ज़ीरो टू वन जो टू 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 जो फोर टू फाइव जी टेन ये ज़ीरो अगेन टू फाइव जी टेन ज़ीरो सिक्स ये होगा टू ये होगा फाइव ये हमारा फाइव ज़ीरो सिक्स फाइव आ गया उसके बाद हम थ्री से देखेंगे वन सिक्स एट सेवन फाइव उसके बाद थ्री फाइव जी फिफ्टीन थ्री सिक्स जै एटीन थ्री टू जो सिक्स उसके बाद थ्री फाइव जो फिफ्टीन अगेन थ्री वन ए सेवन ये फाइव ये हो जाएगा यहाँ पर अगेन ये थ्री से जाएगा थ्री सिक्स जै एटीन थ्री टू जिक्स थ्री फाइव जै फिफ्टी हमारा सिक्स टू फाइव आ गया ये फाइव के टेबल पे हमें पता है ईजिली कट हो सकता है ये वन टू फाइव हो गया ठीक ना, है नागेन फाइव से हमने इसको डिवाइड किया ट्वेंटी फाइव 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 जै ट्वेंटी फाइव फाइव वन सा फाइन ठीक है तो ये हमारे सारे जो है हमारे फैक्टर्स बन गए अब हम इनको लिख लेंगे यहाँ पर टू ज़ीरो टू फाइव ज़ीरो ज़ीरो इक्वल्स टू हम क्या लिख लेंगे इनको टू मल्टीप्लाई वन टू ठीक है उसके बाद थ्री काउंट करते हैं वन टू थ्री फोर टाइम्स थ्री है थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री उसके बाद वन टू थ्री फोर टाइम्स फाइव है फाइव इंटू फाइव इंटू फाइव इंटू फाइव ठीक है उसके बाद क्या करेंगे अगेन हम पेयरिंग कर लेंगे टू ये थ्री ये थ्री ये फाइव और ये फाइव तो एक टू यहाँ से कॉमन एक थ्री यहाँ से कॉमन एक थ्री यहाँ से कॉमन एक फाइव यहाँ से कॉमन और एक फाइव यहाँ से कॉमन तो अब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे इनको हमारा जो टोटल मल्टीप्लाई करके कितना आएगा थ्री टू जिक्स सिक्स, सिक्स थ्री जॉ एटीन फ़ाइव फ़ाइव ज़ा ट्वेंटी फाइव और ट्वेंटी फ़ाइव इंटू एटीन करेंगे एट फाइव ज़ा फोर्टी जीरो सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी आ जाएगा यहाँ पर यगेन फाइव एंड टू ज़ीरो फाइव फोर तो हमारा जो आया है इनको निक करके के इट वुड बी फोर फिफ्टी दैट मीन जो रूट टू ज़ीरो टू फाइव ज़ीरो ज़ीरो हमने निकाला था उसका आंसर था फ़ोर फिफ्टी ठीक है तो हमारे पास फ़ोर फिफ्टी क्या है एक्स की वैल्यू और एक्स की वैल्यू क्या है जो उन्होंने पूछी थी कि हाउ मेनी कैंडिडेट्स वर देयर इन ईच रो ठीक है ना तो ये मेरा हमारा आंसर आ जाएगा आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा अगर आपको स्टिल कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन करते हैं तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में वो बोल रहे हैं द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज फाइव थाउजेंड वन हंड्रेड एंड एट्टी फोर मीटर स्क्वायर तो उन्होंने एरिया दे दिया एक स्क्वायर फील्ड है उसका उन्होंने हमें एरिया गिवन दिया है वन फाइव एट फोर मीटर स्क्वायर ठीक है ना नाउ उसके बाद एक रिटेंगुलर फील्ड है हुज लेंथ इज़ ट्वाइस इट्स ब्रेथ ठीक है ना एक रिटेंगुलर दूसरी फील्ड है ठीक है ना उसके जो लेंथ है ठीक है ना जो लेंथ है वो ट्वाइस है उसके ब्रेथ की ठीक है सॉरी सॉरी उन्होंने क्या बोला है दे आर सेंग अटेंगुलर फील्ड हुज लेंथ इज़ ट्वाइस जो लेंथ है वो ट्वाइस है मतलब जो लेंथ है वो ट्वाइस है किसकी उसके ब्रेथ की ठीक है ना वो अगर हम ब्रेथ को एक्स लेंगे तो जो हमारी लेंथ है वो ऑटोमेटिकली टू एक्स हो जाएगी ठीक है ना जो ब्रेथ है उसके ट्वाइस है वो हैज़ इट्स पेरीमीटर इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड जो रिटेंगल का परीमीटर है स्क्वायर फील्ड के पीरीटर के इक्वल है फाइंड द एरिया ऑफ रिटेंगुलर फील्ड मुझे पता है कि आपको थोड़ी कन्फ्यूजन होगी इस क्वेश्चन में लेकिन जब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तभी आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा ठीक है ना बस आपको एक बात ध्यान रखनी है जो जो चीज़ें गिवन है हमने उनको भी साथ साथ में लेके चलना है चलो देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले देखिए हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर हमें पता है यहाँ पर उन्होंने एरिया स्क्वायर फील्ड दिया हुआ है हम लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड कितना गिवन है वन सॉरी फाइव वन एट फोर मीटर स्क्वायर ठीक है ना एरिया ऑफ किसका दिया हुआ है हमें रेक्टेंगुलर फील्ड का ठीक है ना और हमें क्या दिया हुआ है साइड ऑफ द ठीक है ना तो हम जैसे साइड ऑफ द जो स्क्वायर है वो उसको निकालनी है हमने फाइंड आउट करनी है ठीक है ना अब देखिए हमें पता है जो एक मिनट इसको कट करते थे जो हमें एरिया ऑफ स्क्वायर होता है ठीक है ना वो हमारा फाइव वन एट फोर है यहाँ पर गिवन है एरिया दिया हुआ है ठीक है ना मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है ठीक है ना उसके बाद हमने क्या निकालनी है हमने एक साइड निकालनी है साइड ऑफ फील्ड हमने ये निकालनी है देखिए तो हमें पता है जब हम फील्ड की साइड निकालेंगे तो यहाँ पर हमें पता है जो एरिया ऑफ स्क्वायेर का फॉर्मूला होता, होता, तो होता है वो साइड इंटू साइड होता है लाइक जो साइड का स्क्वायर होता है वही फार्मूला होगा यहाँ लिखेंगे साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू फाइव वन एट फोर आ गया मीटर स्क्वायर अगर जब हमने इसको साइड फाइंड आउट करनी है तो ये हमारा रूट बन जाएगा यहाँ पर आगे ये बात समझ आई कि नहीं बताइए देखिए क्या किया हमने एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड हमें गिवन है हमें पता है एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है साइड इंटू साइड होता है मतलब साइड का स्क्वायर मैंने समझाया था ना अगर ये स्क्वेयर है तो धरसा कि रूट बन जाएगा तो हमने साइड यहाँ पर लिख दी और यहाँ रूट बन गया हमारा अब हम क्या करेंगे इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे कैसे हम किस कैसे करेंगे हम इसको या हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड से ही करेंगे हम लिखा फाइव वन एट फोर अब हम इसको इसके फैक्टर्स बनाने स्टार्ट करते हैं टू टू ज़ा फोर टू फाइव जी टेन टू नाइन ज़ा एटीन टू टू ज़ा फोर टू वन जा टू 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 ज़ा फोर ठीक है उसके बाद यहाँ पर टू नाइन ज़ा एटीन टू सिक्स है ट्वेल्व अगेन टू सिक्स है ट्वेल्व टू फोर जो एट टू एट ज़ा सिक्सटीन टू थ्री ज़ा सिक्स टू टू ज़ा फोर टू फोर ज़ा एट उसके बाद अगेन टू पे जाएगा टू वन जो टू टू सिक्स ज़ा ट्वेल्व टू टू ज़ा फोर टू एटा सिक्सटीन एट्टी वन आ गया ठीक है ना अब ये नाइन पे भी जा सकता है नाइन नाइन ज़ा एट्टी वन ये नाइन वन ठीक है ना तो ये सारा हमारा हो गया अब हम लिख लेंगे यहाँ पर हमारे फैक्टर्स जो हैं फैक्टर्स ऑफ फाइव वन एट फोर क्या आए हैं वो लिखेंगे ये सब आए हैं हम काउंट कर लेते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स टाइम टू है थ्री फोर फाइव सिक्स एंड टू टाइम्स हमारा नाइन है ठीक है ना अगेन पेयरिंग कर देंगे ये नाइन की एक टू निकाला कॉमन यहाँ से एक टू कॉमन यहाँ से एक टू कॉमन और यहाँ से एक टू कॉमन ठीक है ना ये हमारा आ जाएगा इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे टू टू जै फोर फोर टू ज़ा एट 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 था सिक्सटी फोर एट नाइन सा सेवेंटी टू ये हमारा सेवेंटी टू आ गया ठीक है ना तो सेवेंटी टू क्या है हमारा एरिया एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज इक्वल टू तो सेवेंटी टू हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड जो है वो हमारा सेवेंटी टू आ चुका है ठीक है ना उसके बाद हम क्या करेंगे देखो नेक्स्ट हम क्या निकाल सकते हैं हम निकाल सकते हैं पेरीमीटर पेरी ऑफ हमारे पास साइड आ गई ये हमारे पास साइड आई है ठीक है ना हम इसे पेरीमीटर निकाल सकते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड पेरी ऑफ स्क्वायर फील्ड हमारे पास जो फार्मूला होता है फोर इंटू साइड होता है इसका फार्मूला स्क्वायर फील्ड निकालने का फोर इंटू साइड ठीक है ना हम क्या करेंगे फोर साइड कितनी है सेवेंटी टू तो ये आ गया टू एट्टी एट मीटर मुझे बताइए कि आपको ये चीज़ समझ आई कि हमने क्या क्या फाइंड आउट किया है देखिए अब तक हमने एरिया ऑफ स्क्वायर निकाला सॉरी था हमारे पास गिवन हमने साइड निकाल ली उससे साइड का मतलब क्या है साइड का स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया स्क्वायर आ की रूट बन जाएगा तो हमने इसके रूट निकाल लिया सेवेंटी टू मतलब ये साइड आ गई हमारे पास जब हमारे पास साइड आ गई तो हम ईजिल पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं स्क्वायर फील्ड का हमने ये भी कर लिया उसके बाद हम नेक्स्ट चीज़ क्या करेंगे हम देखेंगे हमें क्वेश्चन में गिवन था कि जो लेंथ है क्या गिवन दिया था ना हम दोबारा से देख लेते क्वेश्चन में दे आर एक इेक्टेंगुलर फील्ड है लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ जो लेंथ है ट्वाइस है है ना लेंथ इज ट्वाइस है किसकी उसकी ब्रेथ की अगर ब्रेथ हमारी एक्स होगी तो लेंथ हमारी टू एक्स हो जाएगी ये आपको समझ आया कैसे ट्वाइस है किसके ब्रेथ के जो हमारी लेंथ है लेंथ इज लेंथ मतलब इक्वल टू है किसके ब्रेथ के ट्वाइस के जो ब्रेथ है उसके दो गुना है ब्रेथ एक्स है एक्स का दो गुना टू एक्स हो जाएगा ठीक है ये चीज आ गई हमारी तो हम यहाँ से हम क्या करेंगे पेरीमीटर ऑफ़ रिक्टेंगल भी निकाल देंगे ये भी हमें पूछा है इन्होंने रिक्टेंगुलर फील्ड क्या हो जाएगा टू एल प्लस बी मतलब लेंथ प्लस ब्रेथ ये हमारा फॉर्मूला होता है ठीक है ना वैल्यूज पुट कर देंगे टू लेंथ हमारी टू एक्स है प्लस ब्रेथ हमारी एक्स है ठीक है ना ठीक है ये हमारा कितना हो गया टू एक्स प्लस एक्स थ्री एक्स थ्री एक्स इंटू टू हमारा हो जाएगा सिक्स एक्स ठीक है ना तो ये हमारा सिक्स एक्स आया क्या है पेरीमीटर उसके बाद उन्होंने हमें क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ था हाँ ठीक है उन्होंने हमें क्वेश्चन में क्या गिवन दिया हुआ है इक्वल उन्होंने बोला है कि हेज़ इट्स परीमीटर इक्वल टू परीमीटर और स्क्वायर फील्ड ठीक है ना जो हमारा रिक्टेंगुलर का परीमीटर है वो स्क्वायर फील्ड के परीमीटर के इक्वल है स्क्वायर फील्ड का परीमीटर टू एटी एट था तो हम लिख लेंगे ऐसे टू एटी एट इज इक्वल टू सिक्स एक्स एक्स की वैल्यू हम निकाल लेंगे यहाँ टू एटी एट डिवाइड बाई सिक्स टू के टेबल पर कट कर देते हैं टू वन जो टू टू फोर जो एट टू फोर जो एट टू थ्री जो सिक्स ठीक है two two, two eight, 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 उसके बाद थ्री सिक्स ज टेल्व टू पे ही नहीं थ्री तो ये कट होगा थ्री फोर ज़ टल्व और ये ट्वेंटी फोर फोर्टी एट पे तो हमारा जो एक्स की वैल्यू आई है वो क्या आई है हमारे पास फोर्टी एट ठीक है तो हमारा एक्स क्या था यहाँ पर ये ब्रेड थी तो मतलब जो हमारी ब्रेड ये है हम यहाँ लिख लेंगे ब्रेड हमारी फोर्टी एट आई है तो हम लेंथ निकाल सकते हैं ये टू इंटू फोर्टी एट हो जाएगी इज इक्वल टू नाइन्टी सिक्स मीटर ठीक है ना ओके okay. तो ये हमारा लेंथ और ब्रेथ दोनों आ गई है अब इससे हम क्या कर सकते हैं हम एरिया इजली निकाल सकते हैं किसका रेक्टेंगुलर फील्ड का हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड किसके इक्वल हो जाएगा लेंथ ब्रेथ ये हमारा फॉर्मूला है ठीक है ना ये भी हमारा फॉर्मूला है पेरीमीटर निकालने का रेक्टेंगुलर का लिख लिया लेंथ कितनी है हमारे पास हमने निकाली थी अभी नाइन्टी सिक्स और ब्रेथ कितनी है फोटी एट तो नाइन्टी सिक्स इंटू फोटी एट करेंगे तो हमारे पास फ़ोर सिक्स ज़ीरो एट मीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा एरिया एरिया ऑफ वाट एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ मुझे पता है कि आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गया इस क्वेश्चन में तो क्योंकि थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है तो चलिए इसको एक बार दोबारा से समझ लेते हैं स्टार्टिंग से ठीक है ना हमने इसको कैसे किया है देखिए उन्होंने क्या बोला है क्वेश्चन में द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज वन फाइव फाइव वन एट फोर ठीक है ना जो एरिया उन्होंने ऑलरेडी गिवन दिया है स्क्वायर फील्ड का उसके बाद उन्होंने रेक्टेंगुलर की बात स्टार्ट कर दी कितने रेक्टेंगुलर फील्ड हुज लेंथ इज ट्वाइस जिसकी लेंथ क्या है दो गुना है इट्स ब्रेथ की ठीक है ना हैज़ इट्स पेरीमीटर इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर मतलब कि रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर जिसके एक पेरीमीटर को इक्वल दे दिया स्क्वायर फील्ड के फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड ठीक है ना हमने क्या करना है एरिया निकालना है तो सबसे पहले देखिए हमने जो चीज़ हमने गिवन है हमने उसकी चीज़ें सॉल्व करना स्टार्ट करना है हमें पता है कि एरिया ऑफ जो स्क्वायर फील्ड है ये है हमें पता है एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला साइड का स्क्वायर होता है उसको इक्वल फाइव वन एट फोर लिख दिया हमने क्यों इक्वल लिखा क्योंकि ये हमारा एरिया गिवन है ठीक है ना ये एरिया का फॉर्मूला है और ये एरिया गिवन है हमने इनको इक्वल लिख सकते हैं ये स्क्वायर वहाँ जाके रूट बन गया तो साइड की ये आ गया ठीक है ना तो हमने साइड निकाल ली थी मतलब हमने रूट निकालना था रूट हमारा सेवनटी टू आया प्राइम फैक्टराइजेशन से जब हमारा साइड सेवनटी टू आ चुकी है ठीक है ना तो हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं आराम से हमारे पास एरिया गिवन था हमने साइड निकाल ली साइड से हम अपना स्क्वायर का पेरीमीटर निकाल सकते हैं तो पेरीमीटर देखो हमें क्यों निकाल रहे हैं क्या रीज़न है पेरीमीटर निकालने का स्क्वायर का इसलिए क्योंकि उन्होंने बोला है कि पेरीमीटर इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड जिसके रेक्टेंगुलर का जो पेरीमीटर है वो स्क्वायर फील्ड के पेरीमीटर के इक्वल है ठीक है ना उससे वो हेल्प मिलेगी हमें रेक्टेंगल का एरिया निकालने में हमने क्या किया ठीक है ना पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड फोर इंटू साइड मैं इसको लिख देती हूँ फोर इंटू साइड ये होता है फोर मल्टीप्लाई सेवेंटी टू की या टू एटी एट मीटर आ गया उसके बाद हम देखते हैं ये हमारी रेक्टेंगल की बात हो रही है रेक्टेंगुलर फील्ड की जो हमारी लेंथ है वो टू टाइम से किसके ब्रेथ के ब्रेथ एक्स थी तो लेंथ टू एक्स हो जाएगी अगेन हम पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा देंगे टू लेंथ प्लस ब्रेथ हमारा फॉर्मूला होता है हमें बयालीस फुट की तो हमारा सिक्स एक्स आ गया अब उन्होंने क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ था कि जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर है वो किसके इक्वल है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के तो पेरीमीटर स्क्वायर हमने टू एंटी एट निकाला था इज इक्वल टू पेरीमीटर रेक्टेंगल हमने सिक्स एक्स निकाला इससे हमारी एक्स की वैल्यू आ गई देखिए ये हम कैसे सॉल्व किए यहाँ पर ये सिक्स जो है एक्स के साथ मल्टीप्लाई में था तो उधर जाके वो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा टू एटी एट बाई सिक्स ठीक है ना हम इसको जब कट करेंगे तो हमारा बच्चे को फोटी एट एक्स की वैल्यू फोर्टी एट गई मतलब ब्रेथ हमारी फोर्टी एट आई है और लेंथ कितनी आएगी टू मल्टीप्लाई फोर्टी एट जो है हमारी नाइन्टी सिक्स तो इससे हम जो है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इजिली निकाल सकते हैं नाइनटीन टू ब्रेथ का फार्मूला लगाया और हमने वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दिया तो ऐसे ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ आया होगा मैंने अपने पूरे एफर्ट्स लगाए आपको ये समझाने के लिए अगर स्टिल आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं आप कॉमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स बता सकते हैं और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अपने दोस्त भी इन चीज़ों को सीख सकें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सो बाय बाय टेक केयर हैव नाइस डे